दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे चीन जिस तरीके से तिल मिलाया है। अब चीन के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ऐप बंद होने के बाद भारत इस पर पुनर्विचार करेगा। आपने जैसे सोशल मीडिया पर देखा है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी अगर कोई भी एक एक्शन लेता है तो शायद ही उस पर वापसी कदम रखे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने इस तरीके से चीन को आर्थिक नीति से घेरा हुआ है कि अब वो बौखलाया हुआ है, तरह तरह की बातें चीन अब करने लगा है। सबसे बड़ी बात है ये कि जो BSNL और MTNL में जो 4G और या 5G के लिए जो इक्विपमेंट्स आने थे वो चाइना से आने थे, उनका टेंडर खत्म कर दिया। जो भारत के अंदर जो हाईवेज बनते थे उनके ऑनलाइन टेंडर निकलते थे, तो कहीं ना कहीं चाइना जो बिड लगाता था वो सबसे कम लगाता था, तो चाइना के पक्ष में वो बहुत ज्यादा टेंडर आते थे। तो अब कहीं ना कहीं चाइना के जो टेंडर हैं वो हाईवेज के वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो यहां पर जो रेलवे पर जो थर्मल कैमराज लगने थे, जो कैमरा निगरानी भी रखे हैं कि जिसने मास्क लगाया है, किसी ने मास्क नहीं लगाया है, या फिर टेम्परेचर देखना हो, तो वो ऐसे कैमरे थे जो हाईटेक कैमरे लगने थे, तो उसका भी टेंडर अब कैंसिल कर दिया है। अब चीन बौखलाया हुआ है जिस तरीके से आर्थिक नीति से अब उसको घेरा जा रहा है। सबसे बड़ी बात एक आपको 2019 के इलेक्शन के समय की याद करनी चाहिए कि जब एक दूसरे को हराने के लिए अगर खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष है वो पूरी कूटनीति तैयार करता है, सारे पार्टियों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने देखा था कि 2019 के इलेक्शन के अंदर नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्ष में जितनी भी पार्टियां थी वो सब एक मंच पर खड़ी हुई दिखाई दी थी। तो ये सीधा सीधा मतलब आज इससे भी लगाया जा सकता है कि जो चीन है नेपाल और पाकिस्तान का सहारा लेते हुए भारत को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ऐसी है कि जो पाकिस्तान के अंदर इसके एयरबेस हैं और एयरपोर्ट जो बनाए हुए हैं उसको लेकर के और वहां पर सेना को सक्रिय किया गया है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसकी चालों में फंसता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान जो कटोरे में भीख मिल जाती है उसी से खुश हो जाता है, और चाइना है जो एक भू माफिया की तौर पर काम करता है कि चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात अगर हम यहां पर करें तो नेपाल पर भी इसने इस तरीके का साया मंडराया, और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो आज राष्ट्रपति से मिलेंगे। अब हो सकता है कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। अब इस्तीफा देने के लिए कोहली हैं, उनके ऊपर अब गोलियां चलने लगेंगी, ओले पड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भारत के साथ दुश्मनी लेना मोल पड़ गया उनको। और जैसे ही भारत के साथ उन्होंने दुश्मनी करनी ठानी तो उसके बाद नेपाल की जो जनता है वो रोडों पर आ गई, और नेपाल की जो नेपाल कांग्रेस पार्टी है वो भी रोडों पर आकर के भारत के समर्थन में आ गई, और कोहली को ऊपर इतना प्रेशर बना दिया कि वो मजबूर हो गए राष्ट्रपति से मिलने के लिए। आज उनका इस्तीफा हो जाएगा। अब ये सबसे बड़ी बात यहां पर ये निकल के आती है कि जो भारत की कूटनीति है, अब ये कूटनीति ही तो कहेंगे कि जिस तरीके से चाइना आंख दिखा रहा था अब आंख से खून के आंसू रोएगा। अब तिल मिलाया हुआ है चाइना, तो चाइना तिल मिलाने का कारण और केवल यही है कि जो इंडिया के अंदर जितने इतने लार्ज स्केल पे इसका निवेश था और यहाँ से पैसे कमा रहा था उस पर अब फुल स्टॉप लग चुका है। कहीं ना कहीं जैसे कि हमारे देश के अंदर कुछ कंपनियां हैं जिसमें अलीबाबा या फिर और अन्य कंपनियों के जो निवेश हैं वो भी कंपनियाँ कहीं ना कहीं अब ये सोच रही हैं कि भारत की कंपनियों से उन्होंने आग्रह किया है कि वो हमारी कंपनी में आके निवेश करें, जिससे कि इनका पैसा लौटा करके इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। जैसे कि हम बात करें तो पेटीएम मॉल है, इसमें भी अलीबाबा का बहुत लार्ज स्केल पर निवेश किया हुआ है, तो उनके जो फाउंडर हैं पेटीएम के फाउंडर हैं उन्होंने कहा है भारतीय निवेशकों से कि पेटीएम में आकर के निवेश करें और जो बाहर की जो चीनी कंपनियां हैं वो वापस चले जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि टिकटॉक पर जो विवाद हुआ है वो खड़ा हुआ है, और टिकटॉक का विवाद अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि भारत के अंदर भी ऐसे कुछ चाटुकार हैं जो टिकटॉक की पक्षधर कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी की जो सांसद रही हैं नुसरत, उन्होंने भी कहा है कि टिकटॉक बैन होने से मुझे दिक्कत तो नहीं है पर इससे फायदा क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि इन मूर्खों को यह समझना चाहिए कि अगर हमारे देश से
एक एक महीने में 100-100 करोड़ रुपए वो एक ऐप लेके जा रहा है, तो इससे नुकसान किसको होगा? क्योंकि इनको तो सिर्फ मौज मस्ती से मतलब है, टिकटॉक पे वीडियो बना के और ठुमके लगा करके दिखा देते हैं, लोग इनके फॉलो करने लगते हैं, तो इनकी TRP बढ़ने लगती है। सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पर करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनकी दाद देनी चाहिए, क्योंकि आज जो चीन के साथ जो तनाव है उसके चलते हुए मनु सिंह भी हैं जो धुर विरोधी हैं मोदी सरकार के, वो हमेशा से कांग्रेस का ही पक्ष रखते हैं, तो उन्होंने भी कह दिया है कि मैं भारत के खिलाफ इस टिकटॉक के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ूंगा। ऐसे ही दूसरे भी अन्य जो वकील हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि हम नहीं लड़ेंगे चीन के साथ आकर के, हम सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं लड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि चीन के साथ जो कूटनीति का कार्य चल रहा है, मोदी सरकार ने जो जिम्मेदारी उठाई है और जो आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया की तरफ जो कार्य करने की जो संकल्प लिया था वो आज कहीं ना कहीं साकार हो रहा है। जैसा कि रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत 1962 का नहीं 2020 का भारत है, आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला है, आंखें नोचने वाला भारत है। ये भारत वो नहीं है कि अगर आप आंख दिखाओगे तो डर जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर टिकटॉक की बात आती है तो टिकटॉक को भी एकदम धराशायी कर दिया। अब इस पर हो सकता है कि कोई विचार भी ना हो, क्योंकि देश के अंदर अगर कोई केस भी लड़ेगा तो यहाँ पर वकील ही पैदा नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है कि टिकटॉक, अगर चाइना का टिकटॉक जो ऐप है अगर इंडिया में केस लड़ेगा तो उसके लिए वकील पैदा नहीं होंगे, इनको स्पेशली चाइना से ही वकील लाने पड़ेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर करें कि जो टिकटॉक के जितने भी प्रेमी थे वो अब भारत के जो जितने भी ऐप है, मित्रो है, रोपसो है या चिंगारी ऐप है, उन पर मूव कर चुके हैं। जैसे कि देश के लोगों ने टिकटॉक को बैन करने से पहले ही फोन से हटाना शुरू कर दिया था। अब दूसरी बात यहां पर यह आती है कि जो टेलीकॉम में इसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया हुआ था और ये अपने प्रोडक्ट दे दे करके टेलीकॉम पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं ना कहीं अब टेलीकॉम जो BSNL और MTNL हैं उनके भी टेंडर खत्म हो गए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट होंगे वही लगाए जाएंगे। तो इससे ये साबित हो जाता है कि नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत वो कहीं ना कहीं अब कारगर भी होगा, और इससे ये जो देखने को मिलेगा कि जो भारतीय चीज़ें हैं वो हमारे देश में प्रचलित में आएंगी। और दूसरी बात यहाँ पर ये रह जाती है कि अगर हमारे देश के अंदर आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया में अगर मोबाइल को टक्कर देने के लिए कोई बड़ी कंपनी आती है तो यहां पर भी चाइना को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। चाइना के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे भारतीय सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं। जैसा कि एक सैनिक का वीडियो आया था, उन्होंने कहा था कि हम सैनिक हैं, हम अभी बॉर्डर पर जा रहे हैं और चाइना को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, बस आपको यार क्या करना है, चीनी ऐपों को निकाल दीजिए, चीनी प्रोडक्टों का बहिष्कार कर दीजिए। तो वो जो भारतीय सैनिक की जो आवाज थी वो नरेंद्र मोदी जी ने भी सुनी और भारत की जनता ने भी सुनी। अब जब उसकी आवाज इतनी प्रखर थी और वो आवाज सुनी तो कहीं ना कहीं चाइना इस बात से और तिलमिला गया कि यहां पर जब अगर डट के मुकाबला सैनिक करते हैं तो भारत की जनता भी उनका साथ देती है, उनका समर्थन देती है। तो चीन की बौखलाहट और तिलमिलाहट, ये इससे लगाया जा सकता है अंदाजा कि पाकिस्तान और नेपाल से वो सहारा ले रहा है। नेपाल के कंधे पर बंदूक रख के वो चलाने की कोशिश की, जो सदन के अंदर जो मैप इसने पास कराया था, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी उसकी गिरफ्त में है। जैसा कि कुछ समय पहले एक खबर आई थी पाकिस्तान के अंदर से कि चाइना ने पाकिस्तान की लड़कियों की डिमांड रखी है और हमारे चाइना में आकर के लड़कियां काम करें और पता नहीं क्या क्या काम कराएंगे चाइना के लोग। पाकिस्तान के अंदर चीन का माहौल क्या होता है ये सबसे बड़ी बात है कि चीनी कंपनी जितनी भी हैं वहाँ पर उन जो पाकिस्तान के वर्कर हैं उनको नमाज पढ़ने की कोई भी इजाज़त नहीं है। चाइना की कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो, अगर नमाज पढ़ी आपको तो कंपनी से निकाल दिया जाएगा। ये स्थिति है। अगर एक बार को पाकिस्तान पर चाइना का कब्जा हो जाता है तो क्या पाकिस्तान के लोग खुले तौर पर जैसे नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, तो क्या पढ़ पाएंगे?
ये सबसे बड़ी बात है कि अगर भारत के अंदर की बात अगर हम करें तो भारत के अंदर यहाँ पर सभी वर्गों का सम्मान होता है, सभी वर्ग खुशहाली से रहता है। यहाँ पर किस धर्म विशेष के लोगों को कोई इस तरह का दबाया नहीं जाता है, परंतु पाकिस्तान के अंदर रह करके चाइना की कंपनी इस तरह का खेल खेल रही है। ये दर्शाता है इस चीज़ को कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका इस पर, पाकिस्तान पर खुद कंट्रोल नहीं रहा है। अब ये बस कटोरा लेकर के भीख मांगते रहते हैं, कुछ चंदा मिल जाता है और उससे ये खुश हो जाते हैं। तो ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि चाइना भू माफिया होकर के किस तरह का षड्यंत्र रच रहा है और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को भारत से लड़ाने की कोशिश करता है। और अब सैनिक भी वो उसने वहाँ पर 20,000 सैनिक बॉर्डर पर लगाए हुए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के जो चीफ डिफेंस है वो भी रैखी करके आ चुके हैं, अरे आर्मी के जो सैनिक हैं उनका सम्मान भी किया है। और दूसरी बात है कि अब रक्षा मंत्री के साथ उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने भी वहाँ की पूरी रिपोर्ट दी थी। अब उसके बाद रक्षा मंत्री का भी दौरा होगा। परंतु ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये 1962 का भारत नहीं 2020 का भारत है, आँखों में आँखें डाल के जवाब देने के लिए तैयार है, ये पहला जैसा भारत नहीं, हमारे यहाँ सैनिक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।